बेटा प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज 7.2 इंटीग्रेशन 8, 9, 21, 25, 27 और क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है, किस तरीके से लेट करना था, किसको टी लेट करना है, इन क्वेश्चन से और क्लियर होगा और हम समझ सकते हैं। इसके बाद आपके लिए क्वेश्चंस आसान हो जाएंगे। जैसे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, कह रहा है कि साहब इंटीग्रेट करो एक्स अंडर रूट 1 + 2x² dx, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहले जो अंडर रूट के अंदर चीज़ होती है, जो टर्म अंडर रूट के अंदर होता है, उसको पहले आप कोशिश किया करो टी लेट करने के लिए, ठीक है ना। और फिर क्या देखो, डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में दिया है, अगर हमने 1 + 2x² को टी लेट कर लिया, ध्यान से देखना ज़रा, तो जैसे ही आप 1 का, तो आपका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। अभी कितना आ जाएगा, ये 4x dx = dt आ जाएगा ना, 4x dx। हमें चाहिए केवल एक्स डी एक्स, तो एक्स डी एक्स यहाँ से कितना निकलने वाला है, वो निकलने वाला है आपके पास dt/4। इस एक्स डी एक्स की जगह हमें रख देना है dt/4, 1/4 को हम बाहर कर लेंगे, ठीक है ना। और इसको हमने कैलकुलेट किया था 1 + 2x² को t, तो ये अंडर रूट t हो गया एक तरीके से। अब ये पुराना क्वेश्चन बन गया, अभी बताना पड़ेगा क्या, अब अंडर रूट t का हमें इंटीग्रेशन करना है, तो क्या आ जाएगा, t^(1/2 + 1, 1/2 + 1 + c) और 1/4 आपका आंसर में चलता रहेगा। t की जगह आपको पुट कर देना है जो आपने 1 + 2x² को लेट किया था। चीज़ें तो ये क्वेश्चंस कंप्लीट कर लोगे, अभी हम पूरा नहीं कर रहे हैं क्योंकि कई क्वेश्चंस आपने ऐसे ही कर रखे हैं, इसलिए इसको इस तरीके से हमने समझाया है। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, सेकंड में आपसे कह रहा है कि 4x + 2 √x² + x + 1 dx, इसको हमें सॉल्व करना है, इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है ना। चाहो तो यहाँ से 2 कॉमन ले लो, तो अंदर कितना आ जाएगा, x + 2x + 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2x + 1, और ये आपका ऐसे रहेगा x² + x + 1 × dx। अब ध्यान से देखो, हमने अभी आपको बताया था जो रूट के अंदर चीज़ होती है उसको आप लेट किया करो टी, जरूरी नहीं कि हमेशा हो, लेकिन ज़्यादातर मैं आपको ये चीज़ें दिख, इसका डिफरेंशिएशन सॉल्व में दिखने लगेगा। अगर हमने इसको लेट कर लिया टी, x² + x + 1 = t, जरा इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो x² का आने वाला 2x, x का आ जाएगा 1 dx = dt। तो 2x + 1 dx, देखो ये चीज़ हमें दिख रही है, 2x + 1 dx, 2x + 1 dx की जगह हम लिख सकते हैं dt, 2 को हम बाहर कर लेंगे, ये हमारा पूरा आ गया था √t, ये आ जाएगा आपका dt। चीज़ क्लियर कर लो, इसको हमने टी लेट किया ना, तो ये √t हो गया, 2 को हमने बाहर कर लिया, dt अभी पुराना क्वेश्चन बन गया। √t का इंटीग्रेशन कर लोगे ना, t^(½+1/2+1), कुछ इस तरीके से t^(½+1/2+1+c), और जो आपने एज्यूम किया था आप यहाँ टी रख देंगे, हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनको आपको कंप्लीट करते रहना, क्योंकि हो सकता है कि आपसे सवाल हो भी रहे हो एक्सरसाइज के। अब थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहे थे, वो ध्यान से, ये कह रहा है 1/cos²(x) - tan²(dx), ठीक है ना। तो 1/cos²(x) दिया है, तो 1/cos²(x) को अगर हम sec²(x) कर ले, इसको हम sec²(x) को, कि टेन एक्स दिख रहा ना, तो जब टेन एक्स दिखेगा तो ऑटोमेटिक हमारा दिमाग सेक में जाएगा, तो 1/cos²(x) को पहले हम लिख लेते हैं sec²(x), ये आपका रहेगा 1 - tan²(dx) और dt। जाहिर सी बात है कि 1 - tan x को अगर हमने कैलकुलेट कर लिया, अगर हमने t लेट किया, तो आपके पास tan x का डिफरेंस, 1 का तो 0 हो गया, tan x का कितना आ जाएगा, माइनस लगा हुआ है ना, तो -sec²(x) dx = dt। तो sec²(dx) की जगह हमारे पास आ जाएगा ये माइनस का dt, और ये हमने 1 - tan x को t लेट किया है, तो ये t^2 हो गया, माइनस को आपको बाहर कर लेना, t^-2 हो जाएगा। ये क्या अब भी बताना पड़ेगा हमें, शायद नहीं, t^-2 का आप आसानी से इंटीग्रेशन कर लेंगे, और जहाँ आपने t जो लेट किया है वो क्वेश्चंस को आप पुट कर देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छोटे छोटे, अब ये आसान है आपके लिए, इससे और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं बनेंगे। √sin²(x) × cos²(dx), ठीक, जाहिर सी बात है sin²(x) को हमें टी लेट कर लेना है, तो sin²(x) को जैसे ही हमने टी लेट किया, तो ये आपको इसका डिफरेंशिएशन कितना देने वाला है, ये देने वाला cos²(x) × 2, ठीक है ना।
टू कॉस टू एक्स भी लिख सकते हो। अब ये कैसे ही पिछले वीडियो बेटा देखो, उनमें क्वेश्चंस पता चल जाएंगे तुम्हें। तो अब कॉस टू एक्स डी एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, डी टी अपॉन टू। ध्यान से देखो, कॉस टू एक्स डी एक्स की जगह लिखा जा सकता है डी टी अपॉन टू। तो इसकी जगह में लिख देना है डी टी अपॉन टू, इसको हमने लेट किया था साइन टू एक्स को टी, तो ये टी हो जाएगा। वन बाई टू आपको बाहर कर लेना, अंडर रूट टी डी टी। फिर वही पुराना सवाल बन गया, वन अपॉन टू टी की पावर हाफ भी लिख सकते हो इसको। अब टी की पावर हाफ का इंटीग्रेशन करो, जहाँ लास्ट में आपको टी की जगह साइन टू एक्स पुट कर देना है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बताया यार इसको बेटा, कंप्लीट जरूर करना। ये ना सोचो कि हमने ऐसे करके छोड़ दिया, तुम भी ऐसे ही छोड़ दो। ये आपके पास है टेन स्क्वायर टू एक्स माइनस थ्री डी एक्स, ठीक। तो ये इस तरीके का क्वेश्चन की थीम समझ लो, जब कभी भी टेन स्क्वायर के फॉर्म में हमें दिया गया हो सवाल, तो उसको हमेशा सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन में तोड़ देंगे। क्लास टेंथ की ट्रिग्नोमेट्रिकल जो आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी, तो इसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर टू एक्स माइनस थ्री माइनस वन डी एक्स डी एक्स, और अलग अलग इस तरीके से इंटीग्रेशन कर लेंगे, ठीक है ना। वन का तो हमको पता चल गया एक्स हो जाएगा, ठीक है, इसको आपने अलग कर लिया, वन का तो एक्स आने वाला है। अब सेक स्क्वायर टू एक्स माइनस थ्री, अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता कि यहाँ पे डायरेक्ट तो कोई फॉर्मूला है नहीं एकदम, डायरेक्ट फॉर्मूला से इंटीग्रेट करके रख दें। तो अब देखो हम इसको अलग से तुम्हें दिखा रहे हैं, सेक स्क्वायर टू एक्स माइनस थ्री दे रखा है। अगर इसको हम टू एक्स माइनस थ्री को अगर हमने क्या लेट कर लिया टी, तो ये कितना आ जाएगा टू डी एक्स आ जाएगा, कितना आ जाएगा। अच्छा भाई, टू एक्स का डिफ्रेंसिएशन कितना आने वाला, फर्स्ट फंक्शन इंटू टू एक्स का करो ना, तो कितना टू डी एक्स ही तो आएगा, समझ गए ना। फर्स्ट इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट। माइनस थ्री तो बेकार हो गया, इस डी एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं डी टी अपॉन टू। तो हमें केवल डी एक्स की जगह क्या मिल जाएगा डी टी अपॉन टू। देखो ना, इस डी एक्स की जगह हमें क्या कर देना डी टी अपॉन टू, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर टी डी टी अपॉन टू, और इस वन अपॉन टू को हम बाहर कर लेंगे। ये हमारा एक्स चल ही रहा था, ठीक है। अब सेक स्क्वायर टी को हम क्या लिख सकते हैं, ये टेन टी हमारा बन जाएगा। सेक स्क्वायर टी हमारा क्या बन जाएगा टेन टी बन जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करो तो ये आपका आ गया टेन टी अपॉन टू माइनस का एक्स प्लस सी। अब आपने जो पुट किया टी, टी आपने क्या लेट किया था, वो किया था टू एक्स माइनस थ्री अपॉन टू माइनस एक्स प्लस सी। इस तरीके से बेटे ये फाइव क्वेश्चंस हम लोगों ने 8, 9, 21, 25, 27 क्लियर किया है, और ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहो। लेट वाले क्वेश्चन बहुत तेज़ी से आपने समझ लिए। थैंक्स लॉट।